नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल योग मित्र देव में। आइए आज हम बात करते हैं एक विश्वविद्यालय के बारे में जो योग के लिए काफी फेमस है और उसका नाम है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार। ये काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है, इसको लगभग 120 साल हो चुके हैं और ये तब से ही हमारी संस्कृति को बढ़ा रहे हैं। यह एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है और इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि इसमें योग के कौन कौन से कोर्स हैं, कितनी सीट्स हैं और क्या इसका फीस स्ट्रक्चर है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं। इसमें ग्रेजुएशन भी है योग से और पोस्ट ग्रेजुएशन भी है। इसमें बीए बीएससी इन योगा और एमए एमएससी इन योगा दोनों ही कोर्स इसमें अवेलेबल है। आइए बात करते हैं इसकी फीस की। इसकी फीस बहुत ही कम है, इसकी फीस लगभग 6000 रुपए पर ईयर है। तो ये थोड़ी बहुत अप डाउन हो सकती है ईयर वाइज, लेकिन ये इसी के लगभग फीस है। तो मतलब बहुत ही मिनिमम इसकी फीस है और इसके हॉस्टल के चार्ज भी बहुत कम है। सरकारी रेट पे ही इसके हॉस्टल मिलते हैं तो वो भी बहुत कम है। और इसमें सीट्स की बात करते हैं तो इसमें सीट्स लगभग 100 से ऊपर सीट्स हैं, जिसमें काफी अपॉर्चुनिटी है एडमिशन की। और इसका एडमिशन होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू, एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है इनका, या फिर कभी कभी मेरिट के बेस पर भी ये एडमिशन ले लेते हैं। और एक अहम बात, इसका जो मेन कैंपस है वो हरिद्वार में है, जो सिर्फ बॉयज के लिए है। तो बात करते हैं कि गर्ल्स फिर कहाँ पढ़ेंगी, गर्ल्स के लिए क्यों नहीं है। तो इनका गर्ल्स का जो कैंपस है वो है कन्या गुरुकुल देहरादून, तो इन्हीं का वो कैंपस है गर्ल्स के लिए, तो वो कन्या गुरुकुल है। तो वहां पे फीमेल्स के लिए वहां पे है, तो फीमेल्स के लिए भी इन्होंने योग का कोर्स शुरू कर दिया है। तो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है ये और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म भी इसके निकले हुए हैं। आप इनकी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं और अगर और कुछ भी इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए आप मुझे सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। मैंने इंस्टाग्राम का लिंक भी शेयर कर दिया है, आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, जरूरी बात, अगर ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको देखते रहना है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद, नमस्ते।